हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका फिर से आपके अपने आई टेक नॉलेज चैनल पर। दोस्तों 24 जुलाई 2020 को फिर से अनापसे योजना ई मित्र पोर्टल पर चालू कर दी गई है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको गेहूं मिल सकता है राशन कार्ड द्वारा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। दोस्तों पिछली वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था कि सर राशन कार्ड में गेहूं चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप ई मित्र पर जाकर राशन कार्ड, जनाधार और आधार और जो अपना मोबाइल नंबर लिंक है राशन कार्ड से वो ले जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो यार अपने चैनल के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी ऐसे वीडियो की सबसे पहले जानकारी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राजस्थान सरकार ने फ्री में राशन सुविधा के लिए ई मित्र से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और खाद्य सुरक्षा में आप नाम कैसे जुड़े हुए हैं सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए जरूरत पड़ेगी राशन कार्ड की, आधार कार्ड की और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो लिंक है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप ई मित्र पोर्टल लॉगिन करोगे और वहाँ पे यूटिलिटी का ऑप्शन आता है, आप एविल सर्विस पे जाओगे और यूटिलिटी पे एविल सर्विस में अनएपीएसए नॉन अनएपीएसए डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपके सामने नया टैब ओपन होगा और उसमें कोविड-19 फूड सर्वे के नाम से लिंक आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके थर्ड पार्टी पोर्टल ओपन हो जाएगा, ओके करना है। उसके बाद में आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, जन आधार, आधार और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। दोस्तों आपके पास इन तीनों में से एक चीज़ है वो आपको इसमें डालनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आप अगर मोबाइल नंबर डालोगे तो उसके बाद में उस पर OTP भेजेगा, मोबाइल नंबर पर OTP चयन करना पड़ेगा आपको किस मोबाइल पर OTP आया है, उसके बाद में वो डालना है। उसके बाद में ये फॉर्म ओपन होगा और आपको यहाँ पे व्यवसाय का चयन करें इस पर टिक मार्क कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर टिक मार्क कर देते हो तो आपके सामने दोस्तों ये जो भी व्यवसाय का है वो आपसे पूछेगा कि क्या काम करते हैं, मोबाइल नंबर, बाकी सारी डिटेल आपको भरनी है। दोस्तों उसके बाद में आपको नीचे स्टेट, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट ये सिलेक्ट करके फॉर्म को यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। दोस्तों इस प्रकार आप अपना फॉर्म अनापसे योजना में राशन कार्ड में चालू करवा सकते हो। दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नए हो तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन है उसे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मिलती रहेगी ऐसे वीडियो की सबसे पहले जानकारी। धन्यवाद।